जैसे ही सागर से जबलपुर रोड पर हम तेंदुखेड़ा क्रॉस करते हैं तो एक स्लोप आता है जो कि पाटन से थोड़े से ही पहले पड़ता है। मैं पहले भी इसमें ठंड के टाइम में अर्ली मॉर्निंग में बिल्कुल सनराइज के टाइम पे एक वीडियो बना चुका हूँ और आज ये एक फिर से वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो भी उतना ही खूबसूरत है। पूरी तरह से ये कैप्चर भी नहीं हो पा रहा है कि एक्चुअल जितना खूबसूरत लग रहा है उतना खूबसूरत ये कैमरे में अभी नहीं उतर पा रहा है। इसके लिए आपको यहाँ आके देखना पड़ेगा तो ही आप इसकी ब्यूटी को जो है अप्रिशिएट कर पाएंगे कि ये जगह कितनी खूबसूरत है और ये देश के किसी भी हिल स्टेशन से कम नहीं है। ऊपर आपको बादल दिखाई देते हैं और एक यहाँ पर नदी भी है तो नदी का व्यू मिलता है और साथ ही साथ आपको पाटन का व्यू भी मिलता है नीचे के एरिया में, तो बहुत ही खूबसूरत एरिया है ये। तो इस जगह की एक्चुअल ब्यूटी जो है वो यहीं से अप्रिशिएट हो सकती है और समझ में नहीं आता कि एमपी टूरिज्म ने इसको कोई विजिट साइट या यहाँ का भेड़ाघाट से ये बहुत पास है, लगभग 50 किलोमीटर के अंदर ही पड़ता है भेड़ाघाट से, तो इसको अगर उस जो टूरिस्ट सर्किट है उस पर अगर जोड़ा जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ से सनराइज़ जो टाइम है जब सामने का एरिया जो आप देख रहे हैं यहाँ से सूर्योदय होता है तो वो यहाँ आने का बेस्ट टाइम रहेगा। और मेरे ख्याल से जिस तरह के धूपगढ़ का और बाकी जगहों का टूर हम बनाते हैं तो उसी तरह से हम इस जगह का टूर भी बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत रहेगा। और मेरे ख्याल से पूरे भारत से ही नहीं बल्कि विदेश से भी अगर लोग यहाँ आएंगे तो इस जगह को अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। तो आप भी अगर कभी इधर आएँ तो एक बार इस जगह को रुककर अच्छे से ज़रूर देखिएगा। तो आज का यही वीडियो है।